दुनिया के 7 अजूबों में शामिल भारत की खूबसूरत इमारत ताजमहल पर कोरोना संकट की वजह से जो ग्रहण लगा था वो अब छटता हुआ नजर आ रहा है। कई महीनों से बंद पड़े ताजमहल को आखिरकार 6 जुलाई को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। ताज के दीदार की तमन्ना लिए सैलानियों के लिए तो ये खुशी की बात है ही, उन तमाम लोगों के चेहरे पर भी रौनक आ गई है जिनकी रोजी रोटी का सहारा ही ताजमहल है। हालांकि इस दौरान कुछ नियमों का पालन जरूर करना होगा। ताजमहल के साथ साथ लाल किला और कुतुब मीनार सहित देश के महत्वपूर्ण स्मारक 6 जुलाई से खुल जाएंगे। वहीं वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए बंद की गई दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद और फतेहपुर मस्जिद शनिवार से जनता के लिए फिर से खुल गई है। बंद के दौरान लोगों को घर पर ही नमाज अदा करने के लिए कहा गया था और केवल कुछ स्टाफ सदस्यों को ही मस्जिद में दिन में 5 बार नमाज अदा करने की अनुमति थी। शाही मस्जिद फतेहपुरी में 4 जुलाई तक के लिए आम लोगों के लिए जो पाबंदी लगाई गई थी वो पाबंदी अब ख़त्म की जा रही है, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि कोरोना वायरस बीमारी ख़त्म हो गई। अभी ये बीमारी बहुत फैल रही है, लिहाजा एहतियात करने की ज़रूरत है और जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसी के मुताबिक अमल करने की ज़रूरत है। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित सभी स्मारक 6 जुलाई से जनता के लिए फिर खुल जाएंगे। इससे पहले जून में संस्कृति मंत्रालय ने ASI के रखरखाव वाले 3000 से अधिक स्मारकों में से 820 को फिर खोल दिया था जहां धार्मिक समारोह होते हैं। कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर 17 मार्च से केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित 3691 स्मारक और पुरातत्व स्थल बंद थे जिनकी देखभाल ASI करता है।